गुड आफ्टरनून गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूं। चलिए आ जाइए सबके सब लाइव और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सेशन नंबर 4 ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस शेड्यूल 3। शिवम कुमार, अनुजा, ओझा, सेजल, वंश, अंशु, उसके बाद प्रिंकल, ऊपर जाएं तो निकुंज, गौरव, बिंदु, प्रद्मुना, युक्ता, तेजस्वी, कई सारे बच्चे जुड़िए जल्दी से जल्दी। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। राघव, प्रियांशु, अंकित यादव, तनुजा, सौरव गुप्ता, शेड्यूल 3 एडवांस अकाउंट्स में जो पढ़ाया था सेम है? हा, बताऊंगा मैं कि सेम है कि नहीं। आप अकाउंट्स 2 में भी थे क्या? नमन अग्रवाल, राहुल बघेल। अच्छा जी, सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स की और थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो शेड्यूल 3 की। दीपिका, अंशिका, ऋषि, हेलो टू ऑल बच्चों, हेलो टू ऑल एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देवेश राठी, देवेश राठी, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स कब से पढ़ा रहे हो? वैसे तो देवेश मैं 9 साल से अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, पर अगर अभी की बात करें तो मेरे को लगभग 11 क्लासेस हो चुके हैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, सुबह 8:30 से। देवेश राठी को कोई बता दे कि भाई एडवांस अकाउंट्स कब का शुरू हो चुका है, कहां हो, कौन सी जिंदगी में रह रहे हो आजकल तुम? सर मैंने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो देख लो तनुजा। तो ये वाला लेक्चर देखना है क्या सर? बिल्कुल, अगर आपने लास्ट के कोई भी लेक्चर्स नहीं देखे तो भी आज का लेक्चर देख सकते हो, फिर 2 लेक्चर्स आज शाम को निपटा लेना। सर आई एम योर इंटर स्टूडेंट, टेस्ट पीडीएफ कहां अवेलेबल है, दिखा देते हैं आपको हम। हेलो सर, बहुत मजा आ रहा है, क्यों जंपिंग जंपिंग चल रहा है क्या? मजा आ रहा है, अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुआ है। सर एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस यूट्यूब पे होंगी? मेरे भाई यूट्यूब पे ही चल रही हैं, ग्रुप 2 क्लासेस ऑलरेडी ऑन। यस सर, चलिए 2 मिनट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं अपनी तरफ से, ध्यान से देखिएगा। सुहानी अग्रवाल, सर आपसे परचेज करने रिलेटेड बात करनी हो तो कब कॉल कर सकते हैं? बेटा आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि हाँ कॉल कब कर सकते हो, मुझे फिलहाल मैसेज डाल दो बात व्हाट्सएप पे। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज आपको दिखानी है। सर क्या दिखा रहे हो? सर गूगल ओपन किया, सर क्या दिखा रहे हो? बेटा जी मैं YouTube ओपन कर रहा हूं। हाँ सर करो, ठीक है ना, YouTube ओपन कर रहा हूं। YouTube पे आपको वैसे तो वी स्मार्ट अकेडमी चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, आप एक और चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो कि होगा जय चावला। ये चैनल का नाम दिख रहा है, CA जय चावला, आप ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सर क्यों कर लें, इसमें हमारा क्या फायदा? बता रहा हूं फायदा, आप इस चैनल में, अरे एक तो साला यहां ना लेक्चर चल जाते हैं, लेक्चर चल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ फिर से लेक्चर चल गया। जब आप जय चावला चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, ये प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे
प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट जिसका नाम है इंटर आईपीसीसी मैराथन रिवीजन। इसको मैं कर रहा हूं व्यू फुल प्लेलिस्ट। जब मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट व्यू करूंगा तो देखो ध्यान से, इसमें तकरीबन तकरीबन 41 वीडियोस अपलोडेड हैं। कितने सर? 41 41 रिवीजन वीडियोस अपलोडेड है। सर हमें क्यों बता रहे हो? आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। लग गया मुझे जोश जोश में। आपको आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि हम ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस अपने यूट्यूब पे डालते रहते हैं, तो आपके कई सारे इस प्लेलिस्ट में मैराथन वीडियोस मिलेंगे। सर पर अभी मैराथन वीडियोस अभी हमें पढ़ना है क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, बट आगे के लिए जैसे डिबेंचर्स का रिवीजन हो गया, ब्रांच का रिवीजन हो गया, डिपार्टमेंट का रिवीजन हो गया, इंश्योरेंस क्लेम का रिवीजन हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके अकाउंट्स पेपर वन में। फिर चार्ट रिविजन हो गए, AS1 का, 2 का, 3 का, 10 का, 11, AS12, AS13, AS16। फिर उसके बाद एडवांस अकाउंट्स के रिविजन शुरू हो गए। तो क्या है बेटा, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि अगर आपको किसी भी टॉपिक का रिविजन चाहिए, इसके साथ साथ फ्यूचर में मैं जो भी और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रिविजन डालूंगा वो सब इस प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। ऑल्दो वो वी स्मार्ट के चैनल पे भी आएंगे, वी स्मार्ट के चैनल में भी प्लेलिस्ट होगी। तो वी स्मार्ट चैनल पे भी प्लेलिस्ट है, जय चावला पे भी प्लेलिस्ट है। मैंने आपको यहां पर दिखा दिया अवेलेबल प्लेलिस्ट ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये था एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्यूचर में हम जितने भी रिविजन लेक्चर्स लेंगे, जैसे कल संडे है तो कल संडे को मैं एडवांस अकाउंट्स का एक रिविजन प्लान कर रहा हूं या फिर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन प्लान कर रहा हूं। तो मैं फ्यूचर में ऐसे जितने भी रिविजन्स लूंगा, चाहे एडवांस अकाउंट्स के लूं चाहे अकाउंट्स के लूं, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी कि हाँ यार ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट हमारे काम की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी आप जरूर इस प्लेलिस्ट को का फायदा उठाएं। पेन ड्राइव में रिविजन लेक्चर्स रहेंगे? नहीं बेटा, पेन ड्राइव की एक साइज की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर 64 GB की पेन ड्राइव है तो उसमें 60 GB, 62 GB के तो लेक्चर्स ही आ जाते हैं, उसके बाद कोई स्पेस बचता नहीं है ज्यादा। तो रिविजन लेक्चर्स कभी भी आपको पेन ड्राइव में नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए ओपन फॉर्मेट यूट्यूब अवेलेबल है, तो यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लो खुद से। रिवीजन लेक्चर्स कभी भी आपको पेन ड्राइव में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, रिवीजन लेक्चर्स हमेशा यूट्यूब पे ही मिलेंगे, हमेशा 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 यूट्यूब पे मिलेंगे। पेन ड्राइव में ना, पेन ड्राइव के सहारे मत रहना कि पेन ड्राइव में ना रिवीजन लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना? अगर तुम लोगों ने हमारे लेक्चर्स फाउंडेशन के देखे थे तो यूट्यूब से ही देखे थे ना, उस टाइम पे तो डिमांड नहीं किए कि सर लेक्चर्स फ्री में मिल रहे हैं, सर पेन ड्राइव में दे दो। तो रिवीजन लेक्चर्स भी फ्री में है, रिवीजन लेक्चर्स भी फ्री में है बेसिकली। चलो चलो सर, अब बढ़ते हैं आगे आज के सेशन पे। आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। हम पहले आज अपनी सबसे पहली चर्चा शुरू करेंगे लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बोला था मैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बेसिक्स की बातें करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं उनको इन सब का क्लियर कट डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन मतलब मीनिंग अच्छे से पता है कि नहीं, इनके बारे में उनको पता है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे लाइबिलिटी और प्रोविजन की। सो टेल मी गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। आपको हालांकि मैं याद दिला दूं, कहां गया
आपको मैं याद दिला दूं, लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैंने प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। वेरी गुड बच्चों, बताते जाओ। लायबिलिटी विल डेफिनेटली अराइज, प्रोविजन मे और मे नॉट बी अराइज। तो अगर प्रोविजन, अगर ऐसा है कि प्रोविजन मे और मे नॉट बी अराइज, तो आप प्रोविजन को बैलेंस शीट में दिखाते ही क्यों? फिर तो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई, फिर तो वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई। ट्यूशन इंडिया समथिंग, ट्यूशन इंडिया है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोविजन होगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। गलत। लाइबिलिटी के अमाउंट श्योर पता होती है, बट प्रोविजन के अमाउंट एस्टिमेट की जाती है। वेरी गुड सोहानी। प्रोविजन इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो फिर लाइबिलिटी क्या हुआ बेटा? लाइबिलिटी भी तो यही होता है। लाइबिलिटी इज थर्ड पार्टी प्रोविजन, लाइबिलिटी इज थर्ड पार्टी प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ ओन प्रॉफिट। नो 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 उमंग, गलत बताया। क्रिएटेड आउट ऑफ ओन प्रॉफिट वो रिजर्व्स होते हैं। अभी मेरा सेकंड टॉपिक वही आने वाला है कि प्रोविजन और रिजर्व्स में क्या फर्क होता है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। अच्छा, तो फिर लाइबिलिटी और प्रोविजन में इसका मतलब कोई फर्क नहीं हुआ। लाइबिलिटी ओन बाय आउटसाइडर एंड प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। गलत। लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन, प्रोविजन इज फ्यूचर लाइबिलिटी दैट मे अकर। गलत। लाइबिलिटी शुड डेफिनेटली पेबल वेयर प्रोविजन इज एन अजम्पशन, इट मे और मे नॉट, इट मे बी बट नॉट एक्चुअल। गलत। लाइबिलिटी इज श्योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी दैट मे अराइज इन फ्यूचर। पूरी तरीके से आंसर गलत। अभी तक मुझे सोहानी का आंसर फिर भी ठीक लगा है। लाइब्रेरी इज अंडर कॉन्सेप्ट वाइल, लाइब्रेरी इज वाइडर कॉन्सेप्ट वाइल प्रोविजन इज अस्यूम्ड लाइबिलिटी विच कैन अराइज और नॉट। नहीं, लाइब्रेरी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन इज दैट पार्ट ऑफ लाइब्रेरी दैट इज मेड बिफोर मेड ऑफ लाइब्रेरी। पता नहीं क्या बोला, नहीं समझ में आया। प्रोविजन इज क्रिएट फॉर फ्यूचर लाइब्रेरीज। हाँ नहीं, अगर कोई फ्यूचर लाइब्रेरी है तो फ्यूचर में बनाओ, अभी क्यों बना रहे हो? ऐसा नहीं होता बेटा। लाइबिलिटी में भी तो ये होता है ना कि हम फ्यूचर में पे करेंगे। अब मैं इतने सारे तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बिल्कुल रीसेंट कमेंट पढ़ रहा हूं नीचे से। प्रिंकल, लाइबिलिटी इज द श्योर अमाउंट जो होगा ही एंड प्रोविजन नीड्स टू बी एस्टिमेटेड। ओके भावेश, लाइबिलिटी इज सर्टेन बट प्रोविजन की अमाउंट सर्टेन नहीं होती। वेरी गुड। मैंने जैसे ही बोला सुहानी का आंसर करेक्ट, तो शायद कुछ बच्चों ने अपने आंसर्स में करेक्शंस करना शुरू कर लिए। वेरी गुड, अच्छी बात भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का सुन के ही इंसान को मोटिवेशन मिलता है, ये बात याद रखना। अगर आज मैं किसी एक व्यक्ति की तारीफ करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को लगेगा सर ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। और यहीं से स्टार्ट होता है हेल्दी कंपटीशन। बस इस हेल्दी कंपटीशन को बना के रखो। अगर आज मैं किसी एक की बच्चे की तारीफ करता हूं, तो वह जानबूझ के कहीं ना कहीं उसने सही भी बोला है, प्लस उसका नाम जानबूझ के लेता हूं ताकि बाकी बच्चों को रियलाइज हो कि हाँ, मतलब मेरा नाम क्यों नहीं लिया, अगली बार मेरा नाम आना चाहिए सर, अगली बार मेरा नाम। लाइब्रेरी इज डेफिनेट वेयर इज प्रोविजन इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट विच मे और मे नॉट अराइज मीटिंग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। पूरी तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। प्रोविजन इज नथिंग बट लाइब्रेरी एंड कंसिडर्ड एन ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू बी मेट इन नियर फ्यूचर इंप्लाइंग कैश आउटफ्लो। इट इज अ फ्यूचर अराइज, इट इज अ फ्यूचर अराइज नहीं, प्रोविजन इज अ लाइब्रेरी ऑफ अनसर्टन अमाउंट और टाइमिंग। वाह, ये वाला पॉइंट तुमने गूगल से कॉपी किया है। प्रोविजन, या तो तुम सीए, या तो तुमने कहीं ना कहीं इसको बुक से कॉपी किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, प्रोविजन इज द लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट ऑफ टाइमिंग। मुझे लगता है जैनल ने ये टाइम, ये डेफिनेटली गूगल से कॉपी किया है। प्रोविजन इज मेड टू मीट अप एन अनसर्टेनिटी, लाइबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन इज एस्टिमेशन ऑफ लाइबिलिटी दैट मे अराइज। ओके, समझ में आ गया बच्चों, आपके जवाब मुझे मिल गए हैं। अब मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको पता है कि हम, मैं हमेशा आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा इन द वॉर्म ऑफ, इन द वे ऑफ रेंचो, ना कि हम चतुर रामालिंगम की तरह इसकी डेफिनेशन पर बात नहीं करेंगे। सी, ठीक है ना, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन चतुर, सेकेंड रेंचो। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी डेफिनेटली। चतुर डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहा है, रेंचो भी डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहा है, पर दोनों का वे ऑफ डिस्क्राइब इज डिफरेंट। मैं रेंचो की तरह डिफरेंट डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो, डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट
पॉइंट नंबर वन, लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों लायबिलिटीज में आते हैं। मतलब लायबिलिटी तो लायबिलिटी होती है, प्रोविजन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, ठीक है ना, पहली बात। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, किसी ने बोला कि प्रोविजन जो है वो फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी के लिए बनता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उसको फ्यूचर में पे करने वाले हो, क्योंकि अगर आपने पे कर दिया है तो काहे की लायबिलिटी मेरे भाई। अगर तू आज गुड्स लेके आया है, सुन ना मेरी बात ध्यान से, अब अपनी चैट को बंद कर दे। अगर तू आज गुड्स परचेज करके लाया है तो तू एंट्री कर रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो ये तेरा क्रेडिटर क्या है? ऑब्वियसली तू इसको लायबिलिटी बोलेगा, तू इस तेरा इसके प्रोविजन तो है नहीं, ठीक है ना। तो तेरा ये क्रेडिटर है, तू इसको पेमेंट कब करेगा? फ्यूचर में ही पेमेंट करेगा ना। अब फ्यूचर तो अगला दिन भी हो सकता है, तो फ्यूचर में पेमेंट करेगा ना। तो बेटा लायबिलिटी भी तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ही सेटल होती है, लायबिलिटी फ्यूचर में ही सेटल होती है। वैसे ही जो प्रोविजन होता है, प्रोविजन भी आपका सेटल फ्यूचर में होता है बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट नंबर वन आपको बोला कि प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर टू, ये कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक फ्यूचर का नहीं होता और एक फ्यूचर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तीसरी बात, तीसरी बात जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइबिलिटी में जो आउटफ्लो होने वाला है, आउटफ्लो लाइबिलिटी के केस में जो हमारे यहां से आउटफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, याद करो लायबिलिटी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि टू बी सेटल्ड इन एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लायबिलिटी में जो आउटफ्लो होने वाला है वो सर्टेन है, वो श्योर है, मुझे पता है कि मुझे कितना पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुड्स परचेज करके लाया 1 लाख रुपीज के क्रेडिट पर, मुझे 1 लाख रुपीज पे करना है। मैंने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, मुझे 5 लाख रुपए का लोन देना है, वापस रीपे करना है फ्यूचर में। लोन मेरी लायबिलिटी है, ठीक है ना, लोन मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स मेरे लायबिलिटी है। प्रोविजन के केस में आउटफ्लो होना तय है, पर कितना होगा ये नहीं पता। मुझे इतना जरूर पता है कि आई एम डेफिनेटली श्योर, जितना आई एम श्योर इन लायबिलिटी उतना ही आई एम श्योर इन प्रोविजन कि आउटफ्लो तो होगा, बट आउटफ्लो कितना होगा दैट आई एम नॉट श्योर। आउटफ्लो के लिए मुझे कुछ एस्टिमेशन करना पड़ेगा, और उसी जगह पर हम बोलेंगे कि भैया ये तेरी लायबिलिटी तो है पर इसको तू प्रोविजन में दिखा, तू इसका प्रोविजन क्रिएट कर, क्योंकि यहां पर तुझे कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? रामचंद्र यादव, प्रोविजन नीड्स टू बी एस्टिमेटेड फॉर फ्यूचर लॉस। प्लीज प्लीज प्लीज, इस पर भी मैं बात करूंगा। अच्छी पॉइंट आपने बोली, बट ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। बट लायबिलिटी इज श्योर इट विल अराइज। नो 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 नो, मैं लॉस पे भी आऊंगा, मैं अभी अभी बात करूंगा, अभी मुझे पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने दो। सो लायबिलिटी और प्रोविजन में मैं अभी आपके सामने कुछ बातें बोल रहा हूं, तो पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। मैंने आपको बोला पॉइंट नंबर वन, प्रोविजन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। पॉइंट नंबर टू, लाइक लायबिलिटी इन प्रोविजन देर इज ऑल्सो द आउटफ्लो विच इज सर्टन। मतलब लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों के बीच में आउटफ्लो भी सर्टेन होता है। थर्ड पॉइंट इज, मैंने बोला कि बस ये है कि लायबिलिटी में आउटफ्लो कितना होगा ये पता रहता है, प्रोविजन में आउटफ्लो तो सर्टेन है कितना होगा ही होगा, पर कितना होगा उसका मुझे एस्टिमेशन बनाना पड़ता है, उसका मुझे एस्टिमेट करना पड़ता है। सर एग्जाम्पल दो ना कि सर एस्टिमेशन कौन कौन सी चीजों के बनाते हैं। जैसे मुझे इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, मैंने उसका एक अंदाजा बना दिया, अंदाजा कर दिया कि हाँ मुझे इतना इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है, तो मैंने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना दिया। मेरा इंप्लॉय रिटायर होगा तो मुझे उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे करने पड़ेंगे, मुझे उसको ग्रेच्युटी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे उसको ग्रेच्युटी पे करना पड़ेगा। बट अभी वो रिटायर हुआ नहीं, रिटायर होगा वो 2-4 साल बाद, 5-6 साल बाद, पर आज से लेकर मैं प्रोविजन बनाना शुरू कर रहा हूं, इट इज श्योर कि उसको मुझे पे करना ही है, 100% करना है, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, मुझे करना ही है। बट कितना करना है उसकी अभी कैलकुलेशन धीरे धीरे होती जाएगी, समझ में आता जाएगा, बेस्ड ऑन हिज सर्विस, क्योंकि अभी उसकी सर्विस और बची हुई है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आई एम श्योर कि आउटफ्लो होगा, बट कितना आउटफ्लो होगा उसके लेकर मैं श्योर नहीं हूं। तो पहली बात तो प्रोविजन और लाइबिलिटीज में क्या सिमिलरिटीज हैं, प्रोविजन भी लाइबिलिटी ही होता है, और प्रोविजन में भी कुछ ना कुछ आउटफ्लो तो जाएगा ही जाएगा, इतना श्योरिटी है, पर कितना आउटफ्लो जाएगा ये श्योरिटी नहीं होती, इसीलिए हम एस्टिमेट बनाते हैं। कुछ आई मेरी बात समझ में कि नहीं? यहां तक 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, गिव मी द चैट प्लीज।
गिव मी योर आंसर, गिव मी टेल मी इन योर इन द चैट प्लीज, आपको समझ में आया कि नहीं, यहां तक पॉइंट, यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? प्रोविजन का अमाउंट अनसर्टेन होता है, वेरी गुड, प्रोविजन का अमाउंट अनसर्टेन होता है। बच्चों पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर वन टू थ्री जो मैंने आपको बताया, आप तीनों पॉइंट लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं व्हाट्सएप पे अभी के अभी मैसेज चेक करना चाहता हूं, जल्दी तीनों के तीनों पॉइंट लिखें जो मेरी लाइव क्लास में अभी बैठे हैं और जिनको जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से जल्दी ये तीन पॉइंट्स लिखें, अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में लिखना सीखो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। हरी अप, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजो, मैं देखना चाहता हूं। नहीं एक काम करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, टेलीग्राम पे भेजो, व्हाट्सएप में दिक्कत हो जाएगी, टेलीग्राम पे मैसेज भेजो। नालायक बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, टेलीग्राम, मैं नंबर नहीं दूंगा, टेलीग्राम 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 का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप। सर टेलीग्राम का ग्रुप क्या है? सर टेलीग्राम के ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा टेलीग्राम के ग्रुप के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सी ए इंटर का ग्रुप दिखेगा आपको, लिंक दिखेगा पॉइंट नंबर वन का और चैनल दिखेगा, ग्रुप ज्वाइन करो जल्दी 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 जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, तीनों पॉइंट्स लिख के जल्दी मुझे मैसेज करो। जल्दी मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मुझे मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? गाइस प्लीज हरी अप, अभी तक शायद आप लोग पॉइंट्स लिख रहे होंगे और किसी ने भी फोटो अभी टेलीग्राम पे भेजी नहीं है। नहीं बेटा व्हाट्सएप पे मत भेजो, व्हाट्सएप पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फिर बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे मत भेजिए, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे तो वो फिर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप उस पे भेजिए।
दीपक गुलाटी, क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा आपको? आप अगर किसी से बात कर रहे हो सर से तो सर ढंग से तो बात करो। हाँ, इससे चिढ़के क्यों बात कर रहे हो? मतलब तुम लोग यार 500 1000 रुपए की पार्टी वार्टी अपने हिसाब से कर लोगे, पर अगर 50 रुपए अटके हुए हैं तो वो फिर दिक्कत में आएगा। मतलब वो तकलीफ है, मतलब वो 50 रुपए भी हमारे क्यों अटके हुए? कहीं 50 रुपए का नोट गुम हो जाएगा, उसमें तो उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हम तो सर से इसी तरीके से बात करेंगे। यार थोड़ा सा काम तो करने दो, हमारी टीम पूरा दिन रात लगी हुई है, मैं खुद नहीं सोता हूँ। और तुम मतलब अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम लाइव आके तुम ऐसा कमेंट करके बोलोगे तो मतलब मैं बहुत शर्मा जाऊंगा। अब तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारा ना रिफंड ही करवा दूंगा। एक काम करता हूं, मैं रिफंड ही करवा दूंगा, बिकॉज मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसे बच्चे मेरी चैट बुक लें। कोई क्वेरी का आंसर ही नहीं कर रहा यार, हद कर रहे हो यार। कोई क्वेरी का आंसर नहीं कर रहा, 1000 चैट बुक इंटर की, 1000 चैट बुक फाइनल की, 2000 बच्चों ने किया है। थोड़ा समय तो लगता है ना उसके लिए। नेकी कर दरिया में डाल वाला सिस्टम अब आजकल नहीं रहा है बेटा, थोड़ा सा ना अब बोलना पड़ता है। चलिए, आना शुरू हो गया। प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी, प्रोविजन अमाउंट इज अनसर्टेन, आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज सर्टेन इन प्रोविजन। वेरी गुड, प्रोविजन अमाउंट इज अनसर्टेन। सौरभ ने वेरी गुड, सौरभ ने अच्छा लिखा। जिसने फोटो भेजा है वो फोटो में अपना साथ साथ में नाम भी लिख के भेजे, ठीक है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन फ्यूचर एंड लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ डेफिनेटली अकर्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। लाइबिलिटी अ सर्टेन अमाउंट व्हाइल प्रोविजन इज एस्टिमेटेड। वेरी गुड, किसी ने फोटो भेजी है, किसी लड़की ने शायद। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, प्रोविजन ऑल्सो लाइबिलिटी। अरे ये डिलीट हो गया क्या? नहीं, द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन लाइबिलिटी इज सर्टेन लाइक इन प्रोविजन, इन लाइबिलिटी द आउटफ्लो इज सर्टेन। अच्छा, कुछ गड़बड़ लिखा, अनसर्टेन लिखा है क्या आपने? थोड़ा समझ में कम आ रहा है। जैस्मिन, आउटफ्लो इज सर्टेन इन बोथ, प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी। डिफरेंस लाइबिलिटी करेक्ट अमाउंट नोन ऑफ आउटफ्लो, प्रोविजन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ आउटफ्लो। वेरी गुड, आशीष ने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आशीष ने लिखा है। चलिए, और क्या है? लाइबिलिटी इंक्लूड्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑल्सो इंक्लूड्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वेरी गुड, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज सर्टेन बट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज नॉट सर्टेन। वेरी गुड, अंशिका गुप्ता। चेतन, डी चेतन, डी चेतन, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी हुज अमाउंट इज अनसर्टेन बट इट विल अकर डेफिनेटली। आंचल सिद्धाना ने यूट्यूब पर डाल दिया, डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट, पेबल इज नोन, डेफिनेट अमाउंट इज नॉट नोन, इट इज सर्टेन दैट अमाउंट हैज टू बी पेड, इट इज सर्टेन दैट देयर इज आउटफ्लो, नो एस्टिमेशन रिक्वायर्ड, एस्टिमेशन रिक्वायर्ड। वेरी गुड चेतन, वेरी गुड चेतन, लाइबिलिटीज आर योर ऑब्लिगेशन दैट यू विल नीड टू पे, प्रोविजन आर अबाउट ऑब्लिगेशन दैट यू माइट नीड टू पे। नो 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 नो, कुनाल कुनाल कुनाल, आपने शायद मेरी क्लास में ढंग से सुना नहीं क्या? मैंने बोला यू हैव टू पे, अंडर प्रोविजन यू हैव टू पे, बट हाउ मच अमाउंट यू कैन पे इट इज नॉट श्योर। आपने लिखा है प्रोविजन और अबाउट ऑब्लिगेशन दैट यू माइट नीड टू पे, हो सकता है आपको पे करना पड़े। नहीं, प्रोविजन में भी पे करना पड़ेगा। कुणाल आपने गलत लिखा है, ठीक कर दो, आपने गलत लिखा है, ठीक कर दो। केतन ने लिखा है लाइबिलिटी इज अ श्योर फ्यूचर ऑब्लिगेशन हुज अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, प्रोविजन ऑल्सो लाइबिलिटी बट इज अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, इंस्टेड इट इज अपोर्शनड। बस बेटा लास्ट का वर्ड ठीक नहीं लिखा है, इट इज अपोर्शन लिखा है क्या? मुझे इसका स्पेलिंग प्रॉपर नहीं, पढ़ने पर नहीं आ रहा है, या अप्रोप्रिएटेड लिखा है तो वो थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, प्रोविजन अमाउंट इज एस्टिमेटेड, लाइबिलिटी अमाउंट इज नोन, सर्टेनिटी ऑफ आउटफ्लो इज देयर इन बोथ, लाइक प्रोविजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइबिलिटी। वेरी गुड बेटा, ये किसने लिखा है? ये लास्ट लास्ट फोटो पता नहीं किसने भेजा है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटेड लिखा है केतन ने, वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटेड, फिर ठीक है, फिर ठीक है, मुझे लगा अप्रोप्रिएटेड लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलिए, अब मैं आपके मैसेजेस, जितने मुझे पढ़ने थे, जितने बच्चों ने अभी तक मैसेजेस भेजे मैंने देख लिए,
बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट आप मेहनत कर रहे हो। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी हुज अमाउंट इज अनसर्टेन बट इट विल अकर डेफिनेटली। यस, प्रोविजन इज एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो एंड लाइबिलिटी इज एक्चुअल फ्यूचर कैश आउटफ्लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपने ये पॉइंट्स लिखे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, आपने खुद इनको बनाया। जो ये लेक्चर मेरा लाइव नहीं देख रहा है, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा, आई होप आपने भी अपनी क्लास में लिखे होंगे। आपको तीन पॉइंट्स मैंने लिखने को बोले, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। पहला, प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा, दूसरा मैंने कौन सा पॉइंट बोला था आपको लिखने को, आउटफ्लो इज सर्टेन इन बोथ। आउटफ्लो इज सर्टेन मतलब लाइबिलिटी में भी और प्रोविजन में भी, दोनों में आउटफ्लो सर्टेन है, बट अंडर थर्ड पॉइंट, अंडर प्रोविजन हाउ मच आउटफ्लो विल बी देयर दैट इज टू बी एस्टिमेटेड, ठीक है ना। मतलब इट इज, सेकेंड पॉइंट में ये था कि इट इज श्योर देयर विल बी द आउटफ्लो इन लाइबिलिटी एज वेल एज इन प्रोविजन। थर्ड में था प्रोविजन में अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, अंडरस्टूड और नॉट। फोर्थ पॉइंट लिखो, लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। लाइबिलिटी इंक्लूड्स आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑल्सो, बोथ अमाउंट आर सर्टेन, प्रोविजन अमाउंट एस्टिमेट। ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्चिता शर्मा ने लिखा है आई थिंक, ठीक है, बस थोड़ा सा उसको ठीक कर दो। आपने लिखा है बोथ अमाउंट आर सर्टेन, प्रोविजन अमाउंट एस्टिमेट। आप ऐसा लिख सकते हो कि आउटफ्लो इज श्योर इन बोथ लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, बट द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो नीड टू बी एस्टिमेटेड अंडर प्रोविजन, ठीक है बेटा। रजिस्ट्रेशन ये ना, आप मुझे निखिल, मुझे ना आप व्हाट्सएप करना, ये मैं अभी चलती हुई क्लास में मैं इस आपका क्वेरी नहीं ले सकता, सॉरी निखिल, सॉरी। और अभी आप सेकंड बार मत पूछेगा, अभी लाइव क्लास में मैंने पहले दिन बोला हुआ है कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का, अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो। प्रोविजन एस्टिमेटेड कैश फ्लो, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी सर्टेन एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज नॉट सर्टेन एंड अमाउंट प्रोविजन एस्टिमेटेड मे ऑल राइज एंड लाइबिलिटी इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। फोर्थ पॉइंट लिखा आपने, मैंने फोर्थ पॉइंट बोला लाइबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। यहां तक क्लियर? क्या डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन आप लोगों ने समझ लिया? क्या डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड प्रोविजन आपको समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई शंका, आपत्ति विपत्ति? पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया टेलीग्राम पे, आई फील बैड। मतलब टेंटेटिवली कुछ ही बच्चों ने, मतलब शायद 10-12 बच्चों ने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10, टेंटेटिवली 10-11 बच्चों ने ही लाइव टेलीग्राम पे किया है, बाकी कुछ 5-6 बच्चों ने यहां पर किया है। चलो, लाइब्रेरी और प्रोविजन में क्लियर। अब हम एक और बात पे बात करेंगे। क्या आप जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है? क्या आप जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है? क्या आप जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है? बताओ ना सर, 4 बार ने बोल दिया, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, बोल दो सर, तुम्हारा वेट कर रहा हूं बच्चे। तुम बताओ, क्या तुम जानते हो प्रोविजन दो टाइप का होता है? अगर जानते हो तो जल्दी बताओ। लिंक पर ज्वाइन नहीं हो रहा है? लिंक पर ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा है? टेलीग्राम चैनल नेम लिखा दीजिए प्लीज। बेटा टेलीग्राम चैनल नेम जो है, टेलीग्राम ग्रुप, जय चावला सर इंटर, थोड़ा सा ग्रुप का नाम बड़ा है। अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स ओनली, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है।
किसी ने बोला शुभम मुंद्रा ने कैपिटल रिजर्व एंड अदर रिजर्व, नो। सुहानी अग्रवाल जनरल एंड स्पेसिफिक, नो। जैस्मिन जनरल प्रोविजन एंड स्पेसिफिक प्रोविजन, नो। आहा, मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं, मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं, मैं मेन क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूं बच्चों। हर्षिता जनरल एंड स्पेसिफिक, नो 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 नो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजन। बच्चों इंटर का चैनल मिल गया, ग्रुप मिल गया आपको? बच्चों इंटर का ग्रुप मिल गया? अनुजा ने भी बोला जनरल एंड स्पेसिफिक। मुझे लगता है आप जो जनरल एंड स्पेसिफिक बोल रहे हो ना, वो आप ठीक है फाउंडेशन के बेसिस पे पढ़ के आए हो, पर वो जो जनरल और स्पेसिफिक होता है वो भी एक ही कैटेगरी में आता है। मैं बोल रहा हूँ कैटेगरीज ही तो होती हैं। अंशिका नो आइडिया। चिंतामणि जी रिजर्व एंड प्रोविजन, नहीं, रिजर्व और प्रोविजन नहीं। कैपिटल एंड रेवेन्यू, नहीं, वो तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स होती है। कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अच्छा एक और बच्ची ने डाला बेटा, क्या डाला? लायबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर लायबिलिटी, प्रोविजन अमाउंट कैन बी, अरे कहाँ गया, प्रोविजन अमाउंट कैन बी एस्टिमेट बट लायबिलिटी अमाउंट इज नोन टू अस। सर्टेनिटी ऑफ आउटफ्लो इज इन बोथ लायबिलिटी एंड प्रोविजन, यस लायबिलिटी एंड प्रोविजन बोथ आर नीड टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, वेरी गुड। ये किस कौन सी बच्ची है या बच्चा है? यह है शिवम कुमार, शिवम कुमार ने भेजा। प्रोविजन ऑल्सो लाइब्रेरी, प्रोविजन इज दैट लाइब्रेरी नाउ सर्टन, वेल लाइब्रेरी इज अमाउंट इज सर्टन, अमाउंट इज अनसर्टन, वेरी गुड। ये कौन है बच्चा? ये है राघव, वेरी गुड। तहा, तहा ने क्या भेजा है भाई? तहा ने क्या भेजा? तहा की राइटिंग बहुत शानदार है, तहा का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। तहा थम्स अप, आप मुझे YouTube पे लिख के बताओ, आप मतलब YouTube पे आप मुझे हाई करो, थम्स अप करो, आपका मुझे राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत शानदार लगा। प्रोविजन लाइब्रेरी प्रोविजन ठीक है, वेरी गुड। बस अब मैं नहीं देख पाऊंगा, अब मैं नहीं देख पाऊंगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नो। कॉन्टिंजेंट नॉन कॉन्टिंजेंट नहीं, प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी एंड लॉस, चेतन थम्स अप। चेतन ने सही आंसर दिया कि प्रोविजन की दो कैटेगरीज होती हैं, चेतन ने सही आंसर दिया। प्रोविजन फॉर लायबिलिटी एंड लॉस, वेरी गुड। प्रोविजन इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मैं बात कर रहा हूं प्रोविजन की। बच्चों आपको बता दूं प्रोविजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोविजन वेयर देयर इज एन आउटफ्लो। प्रोविजन पूरा मत लिखना अभी, पहले मुझे लिखने दो। प्रोविजन व्हेन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड, सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड। हुसैन, अच्छा हुसैन ने इट्स तहा, वेरी गुड बेटा। आपकी मुझे राइटिंग अच्छी लगी, आपको मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपने एंड लॉस के बारे में भी प्रेजेंटेशन करके रखा है आपने, बहुत बढ़िया किया। शुभम डू आई नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियो फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, नो 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 नो, यू कैन करंटली ज्वाइन अस, ठीक है। चलो तो प्रोविजन व्हेन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड, और पता है आपको एक दूसरा होता है प्रोविजन वेयर नो आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड बट दे आर मेड ऑन अनसर्टेनिटी ऑफ एनी अमाउंट टू बी रियलाइज्ड, दैट इज प्रोविजन फॉर लॉस। आपके प्रोविजन दो टाइप के होते हैं। अगर अभी
तुम में से ये कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर जो मैंने बोला कि प्रोविजन और रिजर्व, सर रिजर्व भी तो होता है चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो माइंड इट, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं अभी रिजर्व पे भी आऊंगा। एक बात कॉमन सुन लो, जो रिजर्व्स होते हैं वो प्रोविजंस नहीं होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं वो प्रोविजंस नहीं होते हैं आपके, ठीक है ना, जो रिजर्व्स होते हैं वो प्रोविजंस नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोविजंस की जो दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये प्रोविजन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब आपका खर्चा होता है, और ये प्रोविजन भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि आपका लॉस होता है, ठीक है ना। रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व्स दे आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आते होंगे, आपने बचपन से पढ़े होंगे चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। और अगर ये दोनों नहीं समझ में आते तो मैं थोड़ी देर बाद वैसे भी रिजर्व के बारे में बात करूंगा। पहले इसको लिख लो। तो आप जानते हो प्रोविजन दो तरीके से होते हैं, ये प्रोविजन दो टाइप के होते हैं। पहला प्रोविजन मैंने जो लिखा है ना, वहां हम बोलते हैं कि यार हमें फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग आउटफ्लो, 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 हमें पे करना पड़ेगा। जैसे सैलरी का प्रोविजन बना लिया, सैलरी का मुझे सैलरी पे करनी पड़ सकती है, मतलब पड़ेगी, पर कितनी पे करनी पड़ेगी अभी मैं श्योर नहीं हूं, तो सैलरी का प्रोविजन, ग्रेच्युटी का प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन, कोई एक्सपेंस कर लिया पर कितना पे करना पड़ेगा पता नहीं, उसका प्रोविजन। सो बेसिकली ऐसे प्रोविजंस जहां पर कुछ ना कुछ आउटफ्लो डेफिनेटली होगा, ये हमें पता है, आउटफ्लो हमारी जेब से आउटफ्लो होगा। बट कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां आउटफ्लो नहीं होगा, बल्कि अगर कुछ मिलने वाला था तो अब शायद मिल नहीं रहा, अब शायद मिल नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि शायद अब नहीं मिलेगा, अब कम मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर से पैसा मिलने वाला था पर अब लग रहा है कि शायद डूब सकता है पैसा। किसी को लोन दिया था, किसी को एडवांस दिया था, उससे पैसा वापस नहीं मिल रहा, प्रोविजन फॉर लॉस। आई बात समझ में कि नहीं? आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। सर इनके एग्जाम्पल्स दीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर इनके एग्जाम्पल दो। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अरे रे बताओ रे, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? डेल्सी, सौरव, सुहानी, अनुजा, अंशु, अंकित यादव, सेकंड टाइप नहीं समझ में आया। अरे भाई तू एक बात बता, तूने अपने डेटर, अब तूने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किए, तेरे कस्टमर ने तेरे को बोला कि तेरे को वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, उसने तेरे को 2 महीने बाद पेमेंट करने का वादा किया, पर मान लो 2 महीने कंप्लीट हो गए, उसने तेरे को पेमेंट नहीं किया, ऐसा भी नहीं कि तेरे को उसने मना कर दिया, पर तेरे को लग रहा है कि शायद तेरे को वो पैसा नहीं पे करेगा, या हो सकता है तेरा पैसा कुछ डूब जाए, तो बता ऐसे केस में तेरा कोई आउटफ्लो है क्या?
तेरे को तेरा पैसा डूबेगा ये समझ में आया, पर क्या तेरी जेब से कुछ पैसा जाएगा ऐसा कुछ है क्या? तेरे को उल्टा उसको कैश देना पड़ेगा क्या? नहीं ना, तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ आ सकता था, मतलब जो आने के चांसेस थे अब उसके चांसेस कम हो गए, मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं, मैं आने वाले लॉसेस के बारे में पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं, क्या ऐसे केस में कुछ आउटफ्लो है क्या? नहीं ना, मैं तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, वेंकटेश कौशिक, नहीं वेंकटेश कौशिक नहीं, अंकित यादव, वेंकटेश सर, सेकंड टाइप प्रोविजन इज नॉट लायबिलिटी, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, जो सेकंड प्रोविजन होता है ये आपका लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको लायबिलिटी और प्रोविजन के चार मेन पॉइंट्स लिखवाए थे, और दोनों में लिखवाया था कि प्रोविजन में आउटफ्लो होता है, जबकि यहां तो आउटफ्लो है ही नहीं, आया समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अंकित यादव, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, मेरा सिंपल सी बात है कि तुम मुझे बताओ, अगर अंकित तुम अपने फ्रेंड को कुछ पैसे दे रहे हो उधार पे, और तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि मैं अगले महीने पे करूंगा, वो भाग गया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें नुकसान होगा कि नहीं? पर तुम उसके बावजूद बोलोगे कि मैं तो उससे लेके रहूंगा, बट हां लॉस हो सकता है, तो तुम अपनी बुक्स में एक प्रोविजन बनाओगे, वो प्रोविजन ये वाला प्रोविजन माना जाएगा, सेकंड वाला, जहां तुम्हें लॉसेस हो सकते हैं, तुम ये कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त भाग गया है, जहां तुम्हें लॉसेस हो सकते हैं, पर स्टिल तुम्हारी जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो तो कब का हो गया ना, तुमने तो उसको उधार दिया था, आउटफ्लो तो हो गया, अब थोड़ी फिर से होगा मेरे भाई, ठीक है ना? और ये प्रोविजन जहां तूने किसी से सर्विस लिया, ठीक है ना, जैसे मैंने मैंने कारपेंटर से काम करवाया, मैंने फर्नीचर वाले से काम करवाया, ठीक है ना, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसने बोला मैं पैसा बाद में लूंगा, मैंने बोला यार भैया मेरी बैलेंस शीट आ रही है, मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं, मुझे नहीं पता उसका बिल कितने का बनेगा, पर मैंने एक अंदाजे से एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया, क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है, उसके बदले मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो प्रोविजन होते हैं जहां पर आप आउटफ्लो करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, आपने आपने ग्रेच्युटी दिया किसको, एम्प्लॉय को, क्योंकि आपको बेनिफिट मिला, आपको सर्विसेज मिली, ठीक है ना, आई मेरी बात सर? इनकम टैक्स में बात अलग है, इनकम टैक्स में क्या घंटा बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स तो मतलब वो तो विजय सर ने आपको समझा ही होगा, देना ही पड़ता है, ठीक है ना, आई बात समझ में कि नहीं? सो प्रोविजन व्हेन सम आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड, यहां पर एक्चुअली में वो प्रोविजन है जहां पर तुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, पर यहां पर ऐसे प्रोविजन हैं जहां साला तेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है ना, जहां तुझे लॉस हो रहा है, समझ आया कि नहीं? सो दोनों को थोड़ा सा कोशिश कर, ठीक है ना, दोनों को थोड़ा सा कोशिश कर, और इसको ये मैंने लिखा है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तेरा ये जो प्रोविजन होता है ये लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, सर अगर ये लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता तो सर ये वाले प्रोविजन हम कहां लिखते हैं, कोई मुझे बता पाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां पर आता है बैलेंस शीट में? सेजल, वेरी गुड, जो आ सकता था वो शायद नहीं आएगा उसका प्रोविजन, वेरी गुड वेरी गुड, मैं वही चाह रहा हूं कि बच्चे अपनी भाषा में रेंचो बन के खुद डिफाइन करें, चतुर लामा रामालिंगम की तरह नहीं कि यार बुकिश लैंग्वेज बस बोल दी और ये प्रोविजन होता है, जिसका अंदर का मीनिंग साला हाँ उसको खुद को नहीं पता, ठीक है ना, तो रेंचो बन के आपको खुद डिफाइन करना है, वेरी गुड सेजल, बहुत बढ़िया, ये वाला प्रोविजन कहां आता है? अबे नलायक लोगों, जो लोग लाइबिलिटी लिख रहे हैं, थोड़ा सा दो दो मिनट अब तो सोचो, मैं वही बोल रहा हूं, मैं इतनी देर से भौंक रहा हूं, बोल रहा हूं रेंचो बनो, तुम चतुर बनने पे मजबूर हो रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह नहीं होता और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो ये बताओ कहां आएगा, तो भी तुम बोल रहे हो साला घुसा रहे हो तुम, नहीं नहीं सर लाइबिलिटी साइड जाएगा, अरे बोल रहा हूं वो लाइबिलिटी नहीं होता है तो लाइबिलिटी साइड क्यों जाएगा? मोहित ने लिखा लाइब्रेरी साइड, समथिंग कोई ट्यूशन इंडिया ने लिखा लाइब्रेरी साइड, नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, यस, ये वाले जो प्रोविजंस होते हैं वो आपके डेटर्स में से माइनस होते हैं। एक और प्रोविजन बताऊं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको आप बोलते हो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन, जिसको बोलते हो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ याद आ रहा है नाम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आप असेट में से लेस करते हो,
याद आ रहा है कि नहीं? वो भी कौन सा प्रोविजन होता है? वो भी ये प्रोविजन होता है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन में कोई आपका आउटफ्लो हो रहा है क्या? आपका डेप्रिसिएशन में कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, गाइस क्लियर? अब बताओ कोई तकलीफ जिंदगी में, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? लायबिलिटी एंड प्रोविजन, एंड प्रोविजन के दो कैटेगरी, यहां तक कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यकीन हो रहा है कि मुझे मेरे अच्छे अच्छे बच्चे एक लास्ट जवाब दे देंगे, उसके बाद हमारा लगभग लगभग बेसिक खत्म हो जाएगा। मुझे एक लास्ट जवाब जरूर दीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, मुझे बताइए प्रोविजंस और रिजर्व्स में फर्क क्या होता है? प्रोविजंस और रिजर्व्स में फर्क क्या होता है? जल्दी बोलो, प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या फर्क होता है? जल्दी बोलो बच्चों। प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या फर्क होता है? आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर सकते हो, प्रोविजंस और रिजर्व्स में फर्क क्या होता है। आप चाहो तो टेलीग्राम पे रिप्लाई कर सकते हो, या तो आप मोबाइल में चैट में ही रिप्लाई करो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर सकते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रोविजन इज लायबिलिटी और लॉस एंड रिजर्व्स आर रिटेन प्रॉफिट। वेरी गुड चिंतामणि जी, ध्यानेश्वर चिंतामणि जी, वेरी गुड। चेतन, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, वेरी गुड। हालांकि मैंने ये बताया भी था थोड़ी देर पहले, मुझे याद आ रहा है, रिजर्व में अगर लायबिलिटी अकर नहीं होती तो वो पार्टनर, वो कहा गया पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। बेटा तुम यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म क्यों लेके आ गए? अंकित, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, वेरी गुड। रिजर्व इज नॉट अ लायबिलिटी, वेरी गुड। प्रोविजन इंक्लूड सम आउटफ्लो रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल नहीं बेटा, गलत लिखा आपने, कहां डिलीट कर दिया, छोड़ दो। प्रोविजन का अमाउंट अनसर्टेन होता है, जबकि रिजर्व का नहीं। यहां सर्टेन और अनसर्टेन की बात ही नहीं चल रही बेटा, नैन्सी, यहां सर्टेन अनसर्टेन की बात ही नहीं चल रही। प्रोविजन जिस लायबिलिटी के लिए बनाना है, दैट्स अमाउंट डोंट नो, पता नहीं क्या लिखा है मोहित आपने। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म व्हिच इज रिजर्व फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी, वेरी गुड। जैस्मिन बोल सकते हैं, सही लिखा सर। प्रोविजन का फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होता, रिजर्व से बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं, नहीं ये गलत है। प्रोविजन का मतलब हाँ ठीक है, बट इसको ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कह सकते हैं कि प्रोविजन से तो जो बेनिफिट मिलना था मिल गया, अब तो बस पे करना है, जबकि रिजर्व से फ्यूचर में बेनिफिट होगा क्योंकि वो प्रॉफिट्स है। ठीक है, रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जबकि प्रोविजन एस्टिमेटेड एक्सपेंस के लिए होता है। नहीं, समर्थ 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 समर्थ, गड़बड़ बोल रहे हो, गड़बड़ बोल रहे हो। अंकित यादव, तुम पार्टनर पार्टनर बीच में लेके आ रहे हो, पर तुम मेरा आवाज नहीं शायद सुन पा रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं अंकित यादव, तुम पार्टनर को बीच में मत ले आओ, यहां पर मैं जनरल पूछ रहा हूं, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे प्रोपराइटर हो, पार्टनर क्यों लेके आ रहे हो यहां पर? चलो एनीवेज, मैं इधर डिस्क्राइब कर लेता हूं बेटा। प्रोविजन पॉइंट नंबर वन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं बोल सकता हूं इधर एक्सपेंस
और लॉस। अब वो मैंने एक्सपेंस इसलिए लिखा क्योंकि वो प्रोविजन, वो पहला वाला प्रोविजन आउट जिसमें आउटफ्लो होता है, और लॉस इसलिए रखा वो दूसरा वाला प्रोविजन जिस जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होते हैं। जबकि रिजर्व्स आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर अप्रोप्रिएटेड, दे आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब, अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है ना? प्लीज डोंट चैट नाउ अगेन, आप चैट मत करो, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइएगा, है ना? सर ये अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्लीज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने माइंड में थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं ताकि आपको सिंप्लीफाई करके समझा सकूं, ठीक है? एक एम्प्लॉय है, एक आम आदमी जिसकी एक मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज, ठीक है ना? उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज है, ठीक है? अब वो 1 लाख रुपीज उसको सैलरी मिली, तो वो आदमी बेचारा सोचता है कि सैलरी जैसे ही आए तो मैं अपने घर के खर्चे करूं, मैं अपने घर पे जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें गैस का खर्चा, बिजली का खर्चा, मोबाइल्स का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, ये सब करना पड़ता है, ठीक है? बच्चों के स्कूल्स का खर्चा, प्लीज मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपीज है, वो हर महीने वेट करता है कि मेरा इनकम आए और मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस करूं। यू कैन, अब वो आम आदमी कौन हो सकता है, वो व्यक्ति कौन हो सकता है? आप अपने पापा को रख सकते हो वहां पर, या अपनी मम्मी को रख सकते हो वहां पर उस जगह पर, या आपके घर में जो भी ऐसा व्यक्ति है आप उसको अपने माइंड में रख सकते हो। वो व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे ही मेरा 1 लाख रुपए का सैलरी आएगा मैं अपने कुछ खर्चे करूंगा, मैं अपने खर्चे करूंगा। मैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए 5 एक्सपेंसेस मान के चल रहा हूं, कौन कौन से? गैस का खर्चा, ठीक है ना? बिजली का खर्चा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड ऑल, स्कूल बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, ठीक है ना, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, ये तो 4 हो गए सर, पांचवा बता दो कोई, पांचवा कौन सा बेसिक खर्चा होना चाहिए? खाने का खर्चा, खाने का खर्चा, ठीक है ना, ठीक है, खाने का खर्चा, 5 खर्चे वो मान के चलता है। उसको पता है कुछ भी हो जाए ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये तो खर्चे करने ही पड़ेंगे, आउटफ्लो होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा, आई बात समझ में? तो वो उनके प्रोविजन बनाएगा, वो इन 5 एक्सपेंसेस के प्रोविजन बनाएगा। वो बोलेगा यार मेरे को 1 लाख रुपए आया, उसमें से मैंने गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनका अभी बिल आया नहीं है, मुझे नहीं पता इनका कितना बिल आएगा, ठीक है ना, गैस का कितना बिल आएगा, बिजली का कितना बिल आएगा मुझे नहीं पता। आप बोलोगे सर गैस का बिल थोड़ी आता, उसका तो सर सिलेंडर होता है, पुणे जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में गैस का कनेक्शन भी होता है बेटा, डायरेक्ट सिलेंडर के बिना डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्शन होता है, आप जितना गैस यूज करोगे उतने हिसाब से बिल आता है। अभी आपने मान लीजिए आपने कम यूज किया तो आपका कम बिल आएगा, तो अभी आप श्योर नहीं हो कि कितना बिल आएगा, तो आपने क्या किया, आपने इन 5 एक्सपेंसेस के प्रोविजन क्रिएट कर लिए, आपने इन 5 एक्सपेंस के प्रोविजन क्रिएट कर लिए। आपने गैस का प्रोविजन क्रिएट कर लिया मान लो 1000 रुपीज का, ठीक है ना, 2000 रुपीज का। आपने इलेक्ट्रिसिटी का मान लो प्रोविजन क्रिएट कर लिया 5000 रुपीज का, 2 + 5 कितना हुआ, 7000। आपने और क्या था तीसरा, मैंने तीसरा क्या बोला था आपको, इस बच्चों का स्कूल्स वगैरह हो गया, बच्चों का स्कूल्स वगैरह का आपने प्रोविजन इस मंथ का क्रिएट किया मान लो 10000 रुपीज का, तो 7 + 10 = 17। मैंने क्या बोला था और, फूड, फूड का खर्चा आपने मान लो 20000 का प्रोविजन बना लिया, 20 + 17 = 37। एक मैं चीज, मोबाइल, मोबाइल मोबाइल, हाँ किसी ने बच्चे ने लिख दिया उमंग ने, मोबाइल का 3000 का खर्चा आपने एक मान लिया, तो कुल मिला के आपने 40000 का एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट कर लिया। तो वो जो आम आदमी है, वो जो व्यक्ति है, वो क्या बोलेगा कि यार सैलरी मेरी 1 लाख रुपए है पर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है,
मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं 60,000 हुआ, क्योंकि 40,000 के तो मेरे खर्चे ही हो जाते हैं भाई, पूरे महीने भर के मेरे खर्चे ही मेरे 40,000 के हो जाते हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, मेरा जो फाइनली बच रहा है वो है फाइनली 60,000 रुपीज। आई बात समझ नहीं? मतलब वो 1 लाख को देख के खुश नहीं होगा, वो खुश होगा 60,000 को देख के, क्योंकि 1 लाख में से उसको कुछ खर्चे करने हैं, तो वो 1 लाख को देख के बोलेगा अरे ये तो मेरा ग्रॉस टर्नओवर है, एक तो ये तो एक तरीके से मान लो मेरी सेल है, अभी तो इसमें से खर्चे करने हैं मुझे। आई बात समझ में कि नहीं? तो मेरे पास नेट कितना बचा, मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा जिससे मैं आगे आने वाले अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता हूं, ठीक है ना। अब अपने अपने आगे मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आगे की मैं प्लानिंग कर सकता हूं, आगे मैं इन्वेस्टमेंट करके रख सकता हूं। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि 60,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, अंडरस्टूड और नॉट, 60,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ, उसी आम आदमी ने बोला 60,000 प्रॉफिट हो गया, अब मैं इस 60,000 को कैसे संभाल के रखूं, मैं इस 60,000 को कैसे संभाल के रखूं, ये 60,000 मैं कहां कहां रखूं, ऐसा तो नहीं कि पूरे जेब में रखूंगा और हर टाइम अपने साथ लेके घूमूंगा, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा 60,000 एक ही जगह पे रखूंगा, भाई मुझे जेब में भी पैसे रखने हैं थोड़े बहुत खर्चा वगैरह करने के लिए। तो उस आम आदमी ने सोचा कि भाई 60,000 मुझे मिला है, इसमें से 20,000 तो मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा, भाई वो भी अपना जमा करती है, अपने पास रखती है, उसकी भी नीड्स है, ठीक है ना। तो 20,000 मुझे अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, बट मैं जानता हूं मेरी वाइफ को मैं 20,000 दूंगा, कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरी वाइफ मुझे ये पैसा देगी, ऑब्वियसली देगी, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। तो वो बोलेगा कि यार 60,000 का प्रॉफिट हुआ, अब इस 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, एक काम करता हूं 20,000 मैं अपनी वाइफ को दे देता हूं, ठीक है ना, उसके पास पड़े रहे जमा पूंजी, वो भी करेगी, बचे कितने 40,000, 40,000 में से 10,000 मैं अपने जेब में रख लेता हूं, क्योंकि मुझे 10,000 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी 30,000 मैं बैंक में एफडी करवा लेता हूं, बाकी 30,000 मैं बैंक में एफडी करवा लेता हूं। तो उसने अपने इस 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, उसने इस 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, उसने 20,000 अपनी वाइफ को दे दिए, आगे चल के उसको जरूरत पड़ेगी तो उसकी वाइफ उसको वापस करेगी डेफिनेटली, उसने 10,000 अपनी जेब में रखे और उसने 30,000 एफडी में डाल दिए। मुझे ये बताइए, जो उसने अपनी वाइफ को 20,000 दिए और जो उसने एफडी में 30,000 डाले, क्या ये भी उसके खर्चे हैं, क्या ये भी उसके एक्सपेंसेस हैं, टेल मी, क्या ये भी उसके एक्सपेंसेस हैं, बोलिए बच्चों, क्या ये भी उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या मैं उसको प्रोविजन बोलूं, क्या मैं उसको प्रोविजन बोल सकता हूं, टेल मी वो क्या होगा, टेल मी बेटा वो क्या होगा, वो क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन पे भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो क्या होगा, स्क्रीन पे लेके आया हूं मैं वो चीज, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका रिजर्व होगा, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, मींस आपने प्रॉफिट के अलग अलग हिस्से कर लिए अलग अलग जगह पे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस प्रॉफिट का यूज करोगे। कुछ आई बात समझ में कि नहीं गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन आर एक्चुअली योर एक्सपेंसेस एंड दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो आपको 1 लाख रुपए आया था ना, उसमें से आपने माइनस किया और बाकी आपने नेट प्रॉफिट निकाला, तो जो प्रोविजन होते हैं वो आपके नेट प्रॉफिट निकालते वक्त काम आते हैं। जो प्रोविजन होता है नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त आपको प्रोविजन माइनस करना पड़ता है, पर जो रिजर्व होता है वो नेट प्रॉफिट के बाद देखा जाता है, वो नेट प्रॉफिट के बाद देखा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोविजंस आर, प्रोविजंस आर shown before net profit means to calculate net profit we have to deduct provisions. Reserves means profits or part of profits which can be in form of general reserve
रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, एनी अदर। रिजर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। अमर मार्ग, वेरी गुड। अमर मार्ग, वेरी गुड। ये आपकी पूरी स्क्रीन आपको सामने आ रही होगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई बात समझ में? हाँ, मैं एक चीज बता दूं, रिजर्व्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर सारे रिजर्व्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। रिजर्व्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर सारे रिजर्व्स प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। जैसे प्रोविजंस दो प्रकार के होते हैं, लॉस वाले और एक्सपेंस वाले, पर अल्टीमेटली वो पीएनएल से माइनस होते हैं। वैसे ही रिजर्व्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर वो अल्टीमेटली होते आपके प्रॉफिट्स का हिस्सा है। ठीक है, एक और बात लिख लीजिएगा। रिजर्व्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फ्री रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पेसिफिक रिजर्व्स लाइक सीआरआर, डीआरआर, रीवैल्यूएशन रिजर्व एक्सेट्रा। ठीक है, चलो बच्चों, आज शेड्यूल 3 तो नहीं हो पाया, बट मुझे लगता है आज जो हमने 3 बातें की, कुछ अच्छा लगा ये 3 बातें समझ के। रिकॉर्डेड वाले बच्चे तो मुझे चैट नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, रिकॉर्डेड वाले बच्चे एक बात जरूर कर सकते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं कि थोड़ा सा। मैंने बोला ना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको ना मैं बिल्कुल ही नया व्यक्ति बना दूंगा। इसका मतलब तो ऐसा होगा कि मुझे आपकी कैपेबिलिटीज पे, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपने तो पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये गलत हो जाएगा। मैं ये बोलूं कि आपने पहले कभी अकाउंट्स कुछ नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं पढ़ा है, इट इज अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर। ठीक है ना, मैं वो ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर नहीं रखता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली हल्का सा ही सही, 1% ही सही, जरूर अपने बच्चे का नॉलेज इनहेंस करके ही छोड़ूंगा। ठीक है ना, फुल स्क्रीन बेटा, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। डीआरआर इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यस। थैंक यू तेजस्वी, थैंक यू बेटा। सर एफडी इन, अरे बेटा मैंने वो एग्जाम्पल दिया तेरे को कि एफडी, मैंने तो उसकी लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया कि भाई वो ऐसा है, मैंने वो रिजर्व समझाने के लिए दिया। ऐसे तो जो मैंने अपनी बीवी को दिया वो भी रिजर्व नहीं, वो भी तो देखा जाए तो बीवी कौन सा को वापस करेगी, मेरी बीवी तो मुझे कभी वापस ही ना करे पैसा, तो मैं तो वो बोलूंगी वो तो मेरा खर्चा ही हो गया। मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, तू कि दिल पे क्यों ले रहा है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए अकाउंटिंग में। ठीक है ना, रेवेन्यू एंड जनरल रिजर्व में डिफरेंस सर? नैन्सी, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ नाम अलग अलग है। नैन्सी तुम्हारा नाम क्या है? नैन्सी शुक्ला। ठीक है ना, पर घर पे हो सकता है तुम्हें कुछ और बुलाते हो, है ना, गुड़िया बुलाते हो सकता है, कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व, इट इज वन इन द सेम थिंग, नाम अलग अलग है।
सीआरआर इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हम इनके बारे में बातें करेंगे, डोंट वरी, आप अगली क्लास में मुलाकात करिएगा मुझसे। कल संडे की क्लास है, कल संडे है, संडे को क्लास नहीं रहेगी, आई थिंक कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा संडे को, संडे को कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट, विजय सर आज की क्लास शायद ना ले क्योंकि उनके पापा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है शायद, जितनी मेरी सुबह बात हुई विजय सर से मेरी बात बहुत कम हो रही है, सिर्फ उनसे अपडेट लेना पड़ रहा है कि सर पापा कैसे हैं, पापा कैसे हैं। तो विजय सर ने आज मुझे फोन पे बताया कि सर अभी सिचुएशन को समझ नहीं आ रहा, शायद पापा को मुझे एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल, तो विजय सर वहां पर अभी बिजी हैं, तो आप विजय सर को डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर क्लास होनी होगी शायद 2 बजे हो जाए, शायद 2 बजे हो जाए, कल संडे है तो कल की क्लास नहीं रहेगी, कल की क्लास नहीं रहेगी, कोई भी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में मंडे को, बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।